ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है, शंकर भगवान के मंदिर में घंटी बजाने से क्या होता है। तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर गरुड़ घंटी जब बजाते हैं तो मात्र घंटी का नाद करने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपस्वी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पत्नी धर्म का पालन कर रही होती हैं, जितने दान पुण्य उस समय हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय आप घंटी बजाते हैं उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद कर देने माँ से ही आपके खाते में आ जाते हैं। इसलिए गरुड़ घंटी को ऐसे ही नहीं बजाया जाता। क्यों? क्योंकि जब गरुड़ घंटी बजाई जाती है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए हर समय घंटी नहीं बजाई जाती, समय समय पर ही घंटी बजाई जाती है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि जब आप मंदिर में जाओ तो घंटी का नाद बहुत ही प्रेम से, जब मंदिर का पट बंद हो जाए तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। अगर भगवान सो रहे हैं तो भी घंटी नहीं बजाई जाती। कहीं कहीं तो मंदिर के जब पट बंद हो जाते हैं तो वो घंटी के नीचे के भाग को किसी रस्सी से ऊपर करके टांग देते हैं ताकि पट बंद हो जाने के बाद कोई भी घंटी ना बजा सके। क्योंकि जब भगवान सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, पट बंद रहता है, तब यदि उस समय कोई भी घंटी बजा देता है तो कहते हैं उस व्यक्ति को 11 ब्राह्मणों की भूखे रहने का दोष लग जाता है। अगर मंदिर में लिखा है कि मंदिर खुलने का समय इतने से इतने बजे तक है, भगवान के सोने या विश्राम करने का समय इतने से इतने बजे तक है, यदि उस समय आप घंटी बजा देते हैं तो आपको 11 ब्राह्मणों की भूखे रहने का पाप लग जाता है। हर हर महादेव।